बंधुओं मेरे बांके बिहारी जी प्रकट हो गए, कहा भक्त तेरे परिवारी जनों ने तुझे छोड़ दिया, तेरे अपनों ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन ये मेरा वचन है कि ये बांके बिहारी इससे तूने जो संबंध बनाया है न तो ये संबंध छूटेगा और ना ही मेरा साथ कभी टूटेगा। प्रेम से बोलो राधे। बोला महाराज पता कैसे चलेगा आप मेरे साथ में हो? बोले तू यमुना स्नान करने जाया करता है ना? बोले हाँ। बोले जब यमुना की रेत में से निकलेगा ना तो देखना दो पग चिन्ह तेरे होंगे और दो होंगे मेरे। जब हम रेत में से जाते हैं क्यों जी, दो आदमी जाएंगे तो चार पैर बन जाएंगे ना। हाँ भैया आओ, वृंदावन धाम में रहता है ये शख्स, ब्रजवासियों के घरों से जाकर के मधुकरी मांगता है, भिक्षा मांगता है, अपना पेट भरता है। अब इस पर कोई काम नहीं है, दुनियादारी के सारे कामों को छोड़ दिया है, बंधुओं केवल मेरे बांके बिहारी का भजन करता है, राधा नाम की ध्वनि लगाता है। बंधुओं एक दिन क्या हुआ, और संकट इसके ऊपर आ गया। अब तो राधे राधे जो पग चिन्ह जो रेत में दिखाई देते थे ना चार, अब उनमें से दो ही दिखाई देते हैं। रोजाना देखता है केवल दो पग चिन्ह दिखाई देते हैं, मन ही मन सोचता है कि बांके बिहारी ने हमसे वायदा किया और लगता है कि वो वायदा उन्होंने झूठा किया है। गोपियों से भी किया था ना, परसों की कह गए, बरसों बीत गए, नहीं आए लौट करके। भैया हो दुखी होकर के यमुना के तट पर बैठ गया, रोने लगा, हे गोविंद ये क्या हो गया, तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। भैया हो आखिर इस भक्त की पुकार मेरे ठाकुर ने सुनी, प्रकट हो गए, भक्त निराश क्यों होता है? बोले भगवान दुनियादारी के लोगों से मेरा विश्वास उठ चुका है, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, तुम्हारी शरण मैंने ली, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, ऐसा क्यों कहता है मेरे भक्त? मैं तो भक्तों का दास हूं, मैं तुझे छोड़ करके दूर नहीं जा सकता, अरे वृंदावन के तो कण कण में मैं वास करता हूं। भैया हो बिहारी जी से वो भक्त आकर पूछने लगा, भगवान आपने कहा था कि मैं तेरे साथ रहूंगा। बोले हाँ साथ हूं, आज भी साथ हूँ, अभी भी साथ हूँ, तेरे सामने खड़ा हूँ। बोले मुझे नहीं लगता। बोले क्यों नहीं लगता? बोले अब तुम्हारे दो पग चिन्ह नहीं दिखाई देते, अब तो केवल दो ही दिखाई देते हैं और वो मेरे पग चिन्ह हैं। गोविंद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मेरे भक्त वो पग चिन्ह तेरे नहीं, वो पग चिन्ह तो मेरे हैं, क्योंकि तेरे ऊपर ज्यादा संकट आया तो मैंने तुझे अपने कंधों पर बिठा लिया, तुझे छोड़ करके मैं कैसे जा सकता हूं? जब तेरे ऊपर संकट आया और मुझे लगा कि मेरा भक्त अब संकट सहन नहीं कर सकता तो मैंने मेरे भक्त तुझे अपने कंधों पर उठा लिया, ये पग चिन्ह तेरे नहीं, तू ध्यान करके देख, जरा गौर से देख, मेरे पग चिन्हों की पहचान तुझे बता दूं, शंख चक्र गदा पद्म इन पग चिन्हों में छपे होंगे। भक्त ने जाकर के देखा, बंधुओं रोने लगा, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, मेरे बिहारी जी अनजाने में अपराध हो गया, मैं आप पर अविश्वास कर बेठा, मुझे क्षमा करना। मेरे बांके बिहारी ने कहा कि दुनिया का साथ छूट जाएगा मेरे भक्त, लेकिन जिसने मुझे सच्चे मन से ध्याया है उसने मुझे पाया है। भगवान तो कहते हैं कि मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकट मणि, हाँ मैं भगतन को दास। भक्तों को कहां रखते हैं भगवान? अपने मुकुट की मणि बना करके, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान अपने मुकुट में राधे राधे जो मोर पंख लगा हुआ है ना वहां पर स्थान दे देते, मणि बना करके रखते हैं। बंधुओं ये भगवान के अवतार के जो प्रसंग थे उनके माध्यम से मैंने बताया कि भगवान के अवतार बहुत हैं। भक्तों को जब जब चाहत हुई, जिस रूप में हुई,
मेरे भगवान उसी रूप में आए, नरसिंह रूप धारण किया। देखो कैसा है, ये ऊपर वाला हिस्सा सिंह का और बाकी मनुष्यों के जैसा, डबल रोल है, ऐसा हो सकता है क्यों जी? लेकिन भक्त बुलाएं तो ऐसा भी कर देते हैं। और वरदान कितना खतरनाक था हिरण्यकश्यपु का, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, और 12 महीना ब्रह्मा जी जो तुमने बनाए उनमें से किसी में ना मरूं। अब मेरे गोविंद को बड़ा टप हो गया, ये कठिन हो गया मामला कि अब कैसा रूप बनाऊं जी, ना कि नर से मरेगा, ना बानर से मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना भीतर मरेगा, क्या करूं? तो बंधु वो नरसिंह रूप ले लिया। ठीक है भाई, ना नर से मरेगा ना बानर से मरेगा, तो हम तो नरसिंह बन जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे, हाँ ऐसा दयालु है वो। और 7 साल के छोटे से बालक भक्त प्रहलाद के लिए जब वो आ सकता है तो क्या हमारे लिए नहीं आ सकता? और बंधु वो भक्त प्रहलाद के लिए इसलिए भी आए क्योंकि छोटे बच्चे जो होते ना, वो बच्चे कोई भी काम करे दिल से करते हैं, और बड़े होने पर आदमी दिल से काम नहीं करता, दिमाग से काम करता है, क्यों जी? और जो बड़े होने पर दिल और दिमाग दोनों से काम करे उससे बड़ा फिर कोई बुद्धिमान नहीं है। लेकिन जहां ठाकुर की भक्ति की बात आए बंधुओं, वहां दिमाग का यूज मत करना, वहां दिल से काम करना। और जहां दुनियादारी के कामों की बात आए वहां दिमाग का यूज करना, भले ही दिल कहीं और हो, मतलब ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना। दिल की तो एक ही जगह, वो ठाकुर जी के चरणों में, हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में होना चाहिए। बंधुओं, 24 अवतारों की चर्चा हुई, उसके बाद में बताया कि भगवान के 24 अवतार हुए। और बंधुओं, भगवान अंतर ध्यान हुए, भगवान अंतर ध्यान होने के बाद में लोग कहते हैं कि बैकुंठ में गए, लोग कहते हैं कि गोलोक में गए। भैया वो भगवान कहीं नहीं गए, भगवान कहाँ गए? भगवान का जो मुख्य स्थान बना वो कौन सा बना, खासकर भगवान कृष्ण का? भैया वो स्थान कोई और नहीं, वो भागवत था। भागवत में आकर के कि नियतो यद भवत तेज तच भागवते दधात, भगवान शब्दमय रूप से भागवत में स्थित हुए। और बंधुओं, धर्म भी भागवत में, धर्मो भागवते स्थित, इसलिए भागवत को भगवान का रूप कहते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। ये भागवत का ज्ञान कल मैंने आपको बताया, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सनकादिक, सनकादिकों से नारद, नारद से व्यास जी, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सूत जी जो शिष्य के रूप में हैं उनको दिया, और राधे राधे सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को दिया, और अनेकों 88,000 ऋषियों को दिया। और बंधुओं, सुखदेव जी को ज्ञान अपने पिताजी से मिला और अनेकों ऋषियों को भी दिया सुखदेव जी ने। ये ऋषियों की परंपरा में ही ये ज्ञान हमारे गुरुजनों ने प्राप्त किया, और हमारे गुरुजनों ने प्राप्त करके ये ज्ञान हमें दिया, और हमने ये ज्ञान प्राप्त किया। इस ज्ञान को अब हम आपके बीच में बांटने के लिए आ गए। प्रेम से बोलो राधे। ये ज्ञान नारायण भगवान की उस परंपरा से यहां तक आया है। सुखदेव के जन्म की और परीक्षित के जन्म की चर्चा सूक्ष्म में मैं आपको बता दूं। सुखदेव जी कोई साधारण जीवात्मा नहीं थे। सुखदेव जी जो थे ये तो राधे राधे राधा रानी जी के क्रीड़ा सुख थे। एक बार राधा रानी के विवाह की ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो चर्चा सुखदेव जी अपनी पत्नी से कर रहे थे। राधा रानी ने सुननी चाही वो चर्चा, भैया सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। आखिरकार राधा रानी के श्राप का भाजन बनना पड़ा, मनुष्य योनि में सुखदेव जी को आना पड़ा। ये राधा रानी की कृपा थी जो सुखदेव जी मनुष्य जन्म लेकर के आए, और उन्होंने इस भागवत कथा को सुनाया राजा परीक्षित को, ऋषियों को, और ये ज्ञान हम तुम तक आया।
वैसे तो इसमें एक कथा और भी है, भगवान भोलेनाथ के माध्यम से भी ये कथा, नारद बाबा के माध्यम से भी ये कथा हम तक आई है। सुखदेव जी के जन्म की कथा मैं आपको बता दूं। एक बार नारद बाबा का मन हुआ कि भ्रमण करूं तीनों लोकों में बाबा वीणा बजाते हुए, और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, राधे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम बाबा ने नारायण नाम की ध्वनि लगाई। पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते करते बंधुओं कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। आज वहां पर भगवान भोलेनाथ नहीं थे। बोले बाबा आज कहीं भ्रमण करने के लिए चले गए। मैया पार्वती जी वहां पर मिली हैं। मैया को प्रणाम करके बैठ गए। वहीं मैया ने आसन दे दिया, नारद बाबा को बिठाया, पूछा बेटा कैसे हो? मैया ठीक हूं, सब कुशल तो है त्रिलोकी में? बोले हाँ बेटा, मुझे लगता है कि आज तुम कोई प्रश्न तुम्हारे मन में है। ये तो जगत जननी है, इनसे क्या छुपा है जी? बाबा ने कहा हाँ मैया, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने गया था ना, वहां मैंने देखा लोग धर्मनिष्ठ हैं, अपने वचनों का पालन करते हैं, और तो और मैया जो विवाह के समय जो वचन लिए जाते हैं ना, उनका पूर्ण रूपेण पालन कर रहे हैं लोग। मैया कहने लगी कहना क्या चाहते हो आप? वचनों का पालन कौन नहीं कर रहा, कहां नहीं हो रहा? क्योंकि आप उदास हो, लगता है कि कहीं नहीं हो रहा। मैया हाँ, वो कैलाश पर्वत की ही बात है। कैलाश पर्वत की? बोले हाँ। बोले कैलाश पर्वत पर ऐसा कौन है जो अपने वचनों का पालन नहीं करता हो? मैया कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ है। मैया ने कही कैसी बात करता है? बोले मैया तुमको पता है विवाह के समय एक वचन लिया जाता है। बोले कौन सा? बोले पत्नी कहती है कि कोई भी धन कमाओगे या कोई भी धन तुम्हारे पास में होगा या किसी को ब्याज पर दोगे या बैंक में जमा करोगे तो मुझे पहले बता देना। प्रेम से बोलो राधे। हाँ आजकल तो सुविधा अच्छी हो गई है, ज्वाइंट अकाउंट हो गया है, पहले अकाउंट में जमा नहीं होता था जी। हाँ मैया ने कहा अरे मेरे स्वामी, मेरे भोलेनाथ पर क्या धन है ऐसा जिसे वो छुपाएंगे? उन्होंने हर वचन का पालन किया है, ऐसा नहीं है। बोले मैया एक बात बता दूं आपको? बोले बताओ। बोले भोले बाबा आपसे बहुत छुपाव करते। मैया ने कहा क्या? बोले हाँ, आप
आप ना बोले बाबा से पूछना। क्या पूछूं? पूछना गले में मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं, शरीर पर न क्रीम लगाते हैं न पाउडर लगाते हैं न चेहरे पे फेस वॉश लगाते हैं, वो भस्म लगाते हैं, ये क्या चक्कर है? हैं हमारे विष्णु भगवान हैं, देखो क्या बढ़िया हैं, बैकुंठ में रहते हैं, शेषैया ऐसी है जैसे डल्लभ का गद्दा हो, और मैया देखो क्या है, बिल्कुल गोरे चट, पता नहीं कौन से पार्लर में जाते हैं वो है। मैया कुछ समझ नहीं पा रही, नारद कहना क्या चाह रहे हो? बोले मैया मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात का अर्थ तो भोले बाबा ही बताएंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं बताएंगे, पहले तीन वचन ले लेना, और किसी बात का जवाब मिले ना मिले कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन एक बात का जवाब जरूर ले लेना, और वो बात कौन सी है जी, ये जो गले में जो मुंडों की माला है ना, ये किसके मुंड है गले से लगाए फिरते हैं? भोले बाबा कुछ ना कुछ स्पेशल है, और आपको तो पता ही है मैया, मुझे तो लगता है कि हो ना हो ये किसी स्त्री के ही मुंडे हैं, एक स्त्री को तो उन्होंने जटाओं में सर पे बिठा रखा है, और अब मैया समझ गई, अब मत कहना नारद आगे कुछ, मैं अपने आप पूछ लूंगी अब तो रास्ता तूने। नारद बाबा ने बीणा उठाया, राधे राधे वहां से चल दिए, भोले बाबा आ गए। देवी अरे जरा वो मेरा भांग का कटोरा लाओ, मैया ने मुंह इधर था इधर फेर लिया, भाड़ में जाए तुम्हारा भांग का कटोरा, हमसे छुपाव करते हो, वचन अग्नि के सामने लेते हो कि कुछ नहीं छुपाऊंगा, हमारे तो दिमाग में ही नहीं रही ये बात, हम तो सेवा करती चली आ रही है तब से। बाबा ने कहा आज तो जरूर कोई ना कोई किसी पड़ोसी की चाल है, पड़ोसी ज्यादा ऐसे हैं, वो एक दूर की चोटी मार के हमें, इन पति पत्नी में बड़ो प्यार है सो लड़ाई करवाएंगे। हाँ बाबा ने ध्यान लगाया, बोले तो नारद जी बिगाड़ गए खेल को, और नारद को बिगड़ो भयो खेल ऐसी ना समरे के ना। बाबा ने कही अब तो राधे राधे मनाना पड़ेगा, देवी जी को हाथ जोड़ने लगे, देवी जी को मनाने लगे, ठोड़ी के नीचे हाथ लगाई दियो, देवी जी माफ करो। हाँ मैया ने कही देखिए जी ऐसा है, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप हमें तीन वचन दीजिए। बोले बाबा सोचने लगे चलो कोई ऐसी बात होगी दे देते, बोले ठीक है देवी तीन वचन देते, जो आप पूछेंगी हम बता देंगे, जो मांगेंगी वो हम दे देंगे आपको, आप चिंता मत करो, तीन वचन दे दिए। भैया ओ पता है क्या हुआ, मैया ने सबसे पहले यही प्रश्न किया, ना भस्म का किया ना क्रीम पाउडर का किया, मैया ने कहा ये जो गले में जो मुंडों की माला ये जो पहन रखी है ये किसके मुंडे, ये बताओ। बोले बाबा संशय में पड़ गए, बोले नारद बाबा यही सबसे बड़ा खतरनाक मैटर है, और माताओं के सामने तो विशेषकर अगर माताओं को पता चल जाए ना कि तुम्हारो आदमी कहीं थे झूठे को हंसके बतराए लियो हैं, तो बतराए वे बारे की खैर ना के ना, जब तक पतो नहीं लगाई लेंगी, चाहे भले ही वो वैसी बात होए कोई ऐसी बात ना होए, पर पतो जरूर लगनी चाहिए कि बात कहा है। और भैया जो सौत को जो मैटर है ना, ये तो चून क्यों बढ़िया ना लगे के ना, प्रेम से बोलो राधे। हाँ अब मैया एक ही ते परेशान है, भाई गंगा जी बैठाए राखी है ना मूण में, पर भगवान भोलेनाथ ने समझा दिया, देखो मस्तक पे कौन बिठाया जाता है जिसका हम सम्मान करते हैं, अरे विष्णु भगवान के चरण से निकली है गंगा, उसे तो सर पे ही धारण करना पड़ेगा ना, और सर पे उसी को धारण किया जाता है कि जिसका सम्मान किया जाता हो, प्रेम से बोलो राधे। गंगा मैया का सम्मान करते भोले बाबा। बंधुओं आज भोले बाबा ने कहा देवी कोई बात नहीं, ये रहस्य हम बता देंगे, वैसे ये हमारे तुम्हारे बीच का रहस्य है, ये जब तक मेरे पास में है जब तक तो ये मैं समझता हूँ सेफ है, और अगर ये मेरे से आपके कान में गया, दो कानों से ये चौथे कान में पड़ेगा, तो मुझे लगता है फिर ये फैल जाएगा। मैया ने कहा जो भी हो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आपका वचन बेकार जाएगा। भोले बाबा ने दिमाग लगाया, कहा देवी बता देंगे, लेकिन ऐसा स्थान देखो जहां पर कोई जीव न रहता हो। मैया ने अमरनाथ की गुफा को चुन लिया, बुला लिया भोले बाबा आ जाओ, भोले बाबा को उच्च आसन दे करके बिठा दिया। बोले अब कहो महाराज और कोई रिक्वायरमेंट, और कोई आज्ञा?
बोले बाबा ने कहा, बोले हाँ जाओ जा करके देख करके आओ, कोई जीव तो नहीं है, मैया कहीं देख करके आई, कोई नहीं है, लेकिन एक फूटा हुआ तोते का अंडा पड़ा हुआ है। भगवान विगलितम चांडव जीव ही नम यहास्ती, भाई भगवान एक फूटा हुआ तोते का अंडा है, लगता है उसमें कोई जीव नहीं है, जीव ही नम। बोले बाबा ने कहा तो ठीक है बैठिए कथा सुनाते हैं, एक शर्त। मैया ने कहा अब ये तीसरी शर्त कौन सी आ गई, एक बात पूछनी है, बाबा की शर्त ही खत्म होने में नहीं आ रही। बोले महाराज बताइए, अब कोई शर्त वर्त नहीं चलेगी, ये लास्ट है। बोले बाबा ने कहा हाँ ये लास्ट है, कोई बात नहीं। बोले जब तक मैं कथा सुनाऊं ना तब तक आपको हुंकारी भरते रहना है, हाँ कहीं सो जाओ। मैया ने कहा ये भी ठीक है, ये भी हम कर लेंगे। कथा आरंभ हो गई, भैया मैया हुंकारी भरने लगी, और पता है वो जो फूटा हुआ तोते का अंडा था ना, कथा के प्रभाव से उसमें जीव प्रकट हो गया, और उस जीव में भागवत की कृपा से ऐसी शक्ति ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई बंधुओं, कि वो मैया की जैसी आवाज में ही हुंकारी भरने लगा। जब तक मैया ने हुंकारी भरी दसम स्कंद तक, तब तक तो वो चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि कथा में भोलेनाथ का आदेश मिल गया ना कि हुंकारी भरना है, आपको भी हुंकारी भरनी है, सबको सिर हिलाना है, ये मुंडी हिलाते रहना, सो मत जाना, ठीक है ना भैया। ओ मैया सो गई, तोते ने हुंकारी भरना शुरू किया कि कहीं कथा अधूरी ना रह जाए, अरे मैया तो सुनेगी नहीं, कहीं ऐसा ना हो राधे राधे मैं भी ना सुन पाऊं, अरे मैया ना सुनेगी कोई बात नहीं, भोले बाबा दोबारा सुना देंगे लेकिन मुझे दोबारा नहीं सुनाएंगे क्योंकि मैं चुपके से सुन रहा हूं। भैया हो आखिरकार कथा पूरी हुई, और जैसे ही भगवान नारायण के नाम का उद्घोष हुआ है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वैसे ही मैया की झपकी खुली, मैया सो रही थी और एकदम झटका लगा, मैया की आंखें खुली, मैया ने कहा, मैया ने अपराध स्वीकार कर लिया, भोले बाबा के चरण पकड़ लिए, बाबा मुझे माफ कर दो। बोले क्यों? बोले अपराध हो गया। बोले क्या? बोले तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर पाई। क्या हो गया देवी? बोले सो गई थी, देवी मना किया था ना। बोले हाँ महाराज, तभी तो माफी मांग रही हूं ना। बोले फिर हुंकारी कौन भर रहा था? हुंकारी तो कोई भर रहा था। बोले महाराज मुझे नहीं पता। बोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, कौन है भाई? जिसने भी कथा को चुपके से सुना है वो सामने आ जाए। अब तो भैया ये तोता भोले बाबा के क्रोध के सामने कहाँ टिकने वाला है, अच्छे अच्छे नहीं टिके। तोता भागने लगा, क्रोधी व्यक्ति के सामने नहीं रुकना चाहिए। तोते ने कहा तभी अब जान बचेगी, भागो यहाँ से। तोता भागने लगा, उड़ता उड़ता आगे आगे जा रहा है तोता, और पीछे पीछे मेरे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के भागे चले जा रहे हैं। सरस्वती नदी का किनारा, व्यास जी समाधि लगाए बैठे हैं, सुंदर कुटिया है, आश्रम है, व्यास जी की पत्नी ने तभी बाल धोए सुखा रही है, जमाई आई और तोता दौड़ा चला आया और मुँह में प्रवेश कर गया। प्रेम से बोलो राधे। अब तो भैया देखा भोले बाबा का त्रिशूल ऐसे और मैया का मुंह खुला की खुला रह गया, और इधर ब्यास जी देवी ये क्या हो गया भैया, है भोले बाबा का त्रिशूल ऐसे है, मैया का मुंह, मैया ना कुछ बोल पा रही है ना कुछ। ब्यास जी आए, बोले महाराज क्या हो गया? बोले चोर। बोले चोर? क्या चोर? चुरा लिया। बोले एक चोर आया है यहाँ पर और वो मेरी कथा चुरा करके लाए। अच्छा महाराज, क्या फल होता है कथा का? बोले जो कथा मैंने सुनाई है ना, वो पार्वती को सुनानी थी, वो अमर कथा है, वो इस दुष्ट ने चुपके से सुन ली, वो अपराधी है, बिना बुलाए कथा में आ गया, मैं उसे मार दूंगा। बोले महाराज कथा का प्रभाव क्या है? प्रभाव तो बताओ। बोले कथा का प्रभाव है जो भी सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। बोले भगवान क्या? बोले जो भी सुनेगा अमर हो जाएगा। बोले महाराज क्या? बोले जो सुनेगा अमर हो जाएगा। तुमको समझ नहीं आता है? बोले आ गया, लेकिन मेरी समझ में आ गया, जरा एक बार और कहो। अब भोले बाबा को भी समझ आ गया। बोले तोते को मारेगा कैसे, ये तो अमर हो गया। बोले महाराज यही समझाना चाहता था मैं आपसे, इसीलिए बार बार कह रहा था। बोले महाराज अब तो ये अमर हो गया, आपसे इसने कथा सुनी है और मैं आपका परम भक्त हूँ, ये तोता भी आपका भक्त हो गया। भगवान अब इसे अब आप मत मारिए। भगवान भोलेनाथ लौट गए बंधुओं वहाँ से, लेकिन 12 साल हो गए ये तोता बाहर नहीं आया माँ के गर्भ से। पता है एक दिन व्यास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले लाला
बोले हाँ, बोले भोले बाबा पे ते बचायो तो या के मारे हो कि 9 महीना बाद में मैया के पेट से बाहर आवेगो तो या कथा को ज्ञान कछु हमें भी है जाएगो और तू तो राधे राधे समाधि लगाए के बैठो भयो है भैया मैया के पेट से बाहर तो आ। पिताजी मैं बाहर नहीं आऊँगा। बोले क्यों? बोले भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। बोले इतना डरते हो? बोले हाँ, भगवान की माया से जो डरेगा वो बढ़िया है और जो नहीं डरेगा ना जो फिर तो तुमको पता ही है जहाँ डूबता है वहाँ तैरने वाला ही डूबता है। बोले तो कोई उपाय तो होगा तेरा बाहर आने का? बोले एक ही उपाय है और वो ये है कि भगवान से वरदान मांगो आप, मुझे उनकी माया ना व्यापे। 4 साल तपस्या की व्यास जी ने, भगवान ने वरदान दिया तुम्हारे पुत्र को मेरी माया नहीं व्यापेगी। और व्यास जी ने जैसे ही आकर के बताया ना, सुखदेव जी प्रकट हुए 16वें वर्ष में। बोलो सुखदेव जी महाराज की। और बंधुओं वहां से सुखदेव जी अब प्रवेश तो तोते के रूप में किया है और मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। जन्म लेते ही चल दिए। यम प्रब्रजंत मनोपेतम अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस हम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी आवाज लगा रहे, अरे बेटा रुक जाओ, ए बेटा ठहर जा, लेकिन राधे राधे नहीं रुके। वृक्षों ने उत्तर दिया क्योंकि परमहंस है, सर्वभूत हृदयस्थ हैं। व्यास जी लौट करके आ गए। पुत्र शोक में व्याकुल है। भैयाओ सुखदेव जी पर्वतों की कंदराओं में जाकर के ऋषि मुनियों से ज्ञान ले रहे हैं, समाधि लगा लेते हैं, कभी ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यास जी परेशान। नारद बाबा का एक दिन आगमन हुआ। व्यास जी की परेशानी देखी, पूछा महाराज क्यों परेशान हो तुम जैसा ज्ञानी? बोले महाराज इस परेशानी के चक्कर में ना एक वेद के 4 विभाग कर दिए, 17 पुराणों का निर्माण कर दिया मैंने, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली।